ये बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर आज लगातार वोटिंग जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही यहां वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से यहां लगातार वोटिंग जारी है, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं शाम 6 बजे तक यहां पर होगा ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा में सुबह से ही आज वोटिंग लगातार जारी है, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए यहां पर प्रशासन ने कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं, ये बड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहीं यह बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं मंगलौर में 1,19,000 से ज्यादा वोटर यहां शामिल होने वाले, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में 1,02,000 से ज्यादा वोटर यहां शामिल होंगे, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां दो विधानसभा सीटों पर आज लगातार वोटिंग जारी है, वहीं बता दें कि उपचुनाव के लिए आज सुबह से ही यहां पर लोगों की कतारें जम गई है वोटिंग के लिए, और शाम 6 बजे तक यहां मतदान होगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। वहीं मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा में आज सुबह से ही 8 बजे से लगातार मतदान जारी है, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए भी यहां प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहीं बात करें उपचुनाव के लिए तो सुबह से ही आज उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है, और यहां शाम 6 बजे तक आज मतदान होगा, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां बद्रीनाथ और मंगलौर में, अगर मंगलौर और बद्रीनाथ की बात करें तो मंगलौर में 1,19,000 से ज्यादा वोटर यहां शामिल होने वाले हैं, वहीं बद्रीनाथ में 1,02,000 से ज्यादा वोटर यहां शामिल होंगे, तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। वहीं आज सुबह से ही यहां लगातार वोटिंग जारी है, और प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भी यहां पर कड़े इंतजाम कर रखे हैं, तो बड़ी और अहम